मसाले डालते हैं, इससे इसका फ्लेवर अचार जैसा चटपटा बनता है। जब आप इसे बनाओगे और खाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना चटपटा बनता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी मटन अचारी। सबसे पहले हम अचारी गोश्त का मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हम अचार का मसाला तैयार करेंगे। जो चीज़ें अचार में ज़्यादातर लगती है वो चीज़ों से हम ये मसाला रेडी करेंगे। तो मैंने इसे रेडी करके रखा है। इसमें मैंने क्या क्या लिया था, 1 टीस्पून मैंने कोरिएंडर सीड लिया था, धनिया अक्खा धनिया, फिर 3/4 टीस्पून मैंने इसमें सौंफ लिया था, फिर 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें मेथी दाना लिया था। इन सबको मैंने थोड़ा सा भून लिया था और फिर उसे कोसली ग्राइंड कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कलौंजी। मैंने कलौंजी को इसमें पीसा नहीं, क्योंकि अगर हम कलौंजी को पीस कर इसमें यूज़ करेंगे तो हमारा जो ग्रेवी बनेगा वो काला काला हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इसे अक्खा ही रखना है। ये हमारा अचारी गोश्त का मसाला तैयार है। इससे आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख सकते हैं, ताकि जब भी आपका दिल करे कि आपको ये बनाना है तो आप ये मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं हमारी आगे की रेसिपी। एक कढ़ाई में हम 4 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लेंगे। इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को फाइनली चॉप करके डाल देंगे। हम लाइट ब्राउन हुए तक भून लेंगे। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये 2 बड़ा चम्मच मैंने लिया था। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें जाएगा ये 2 टमाटो का मैंने पेस्ट बना लिया है। आप चाहे तो इसे चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसे चला लेंगे। मैंने 2-3 मिनट टमाटो पेस्ट को अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें डालेंगे मटन। ये मैंने 1/2 केजी मटन लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे नमक, फिर इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, फिर अचारी गोश्त का मसाला जो हमने रेडी करके रखा है ये मैं इसमें पूरा डालूंगी। 1/2 केजी मटन के लिए ये पूरा लगता है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून दही, मैंने इसे अच्छे से फेंट के रखा था। इसे हम मिक्स करेंगे। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसे चला लूँगी। फिर मैं इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर दूँगी और 2 सीटी लूँगी। उसके बाद इसे स्लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए कुक करूँगी। आप चाहे तो इसे ढककर 25 से 30 मिनट के लिए भी कुक कर सकते हैं। अगर आपको कुकर में नहीं कुक करना है तो आप इसमें भी कुक कर सकते हैं।
अब हम इसी कढ़ाई में जिसमें हमने गोश्त को भुना था थोड़ा सा ऑयल और ले लेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे सूखी लाल मिर्च, ये मैंने 4 सूखी लाल मिर्च ली है, और ये हरी मिर्चें, ये मोटी वाली मिर्चें हैं तो ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। तो हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, मैंने इसे हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर लेंगे, इसे मैंने 2-3 सीटी लगा के गला लिया था। साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून चाट मसाला, सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इसे 2-3 मिनट अच्छे से भून लिया। अब देख सकते हैं तेल पूरा ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया, इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये रेडी हो गया है तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे डिश आउट कर दूंगी। इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तैयार है हमारा मटन अचारी, बहुत ही लाजवाब अचार की खुशबू आ रही है, खाने में भी बहुत चटपटा लगता है। इसे आप तंदूरी रोटी, कुलचा, बटर नान या जीरा राइस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।